आज है फ्राइडे तो शाम का टाइम हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, खाली थे बिल्कुल। तो वी डिसाइडेड कि चलते हैं यार, ऐसे एक्सप्लोर करते हैं एरिया को। हम लोग अभी एक नए लोकेशन में शिफ्ट किया है हमने, वुडलैंड्स में, तो इस एरिया को हमें एक्सप्लोर करना है। सिंगापुर में इंद्रदेव हमेशा रेडी रहते हैं बरसने के लिए। जब भी कहीं प्लान करो जाने का तो सबसे पहले वो आते हैं कि भाई चलो साथ में हम भी चलते हैं। तो हम लोग स्टॉप पे उतर चुके हैं। उतरते ही मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि कहाँ आ गए, कोई भी नहीं उतरा है और पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब जंगल है और जंगलों के बीच में बस स्टैंड बना गया है। आई होप मेरा जो आज का एक्सपेक्टेशन है वो फ्लॉप ना जाए। नहीं जाएगा फ्लॉप आयशा, नहीं जाएगा फ्लॉप, क्योंकि काफी नेचर में बेस्ड है ये वाटर फ्रंट, वुडलैंड्स वाटर फ्रंट कहते हैं इसको। और इसके बगल में मलेशिया का, जो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में वो वाटर है ना, बड़ा सा सेपरेशन वाटर का, वही है यहाँ पे। एंड शाम के टाइम तो आज तो चलो बारिश का पूरा मौसम है, अदरवाइज अगर आज बिल्कुल अच्छा मौसम होता ना तो यहाँ पे सनसेट देखने में काफी मजा आता है। सनसेट देखने के लिए अब मुझे लगता है आज सनसेट का माहौल है, क्योंकि पूरा बादल ही ढके हुए हैं। पहले जब मैं यहाँ पे रहता था तो करीब मतलब 1.8 किलोमीटर दूर मैं यहाँ से रहता था, तो वॉकिंग डिस्टेंस था, बड़ा मज़ा आता था। और तब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पे, तो काफ़ी खाली टाइम रहता था, कॉलेज जा रहता था अपना। उसके बाद मैंने इस रास्ते से, ये सामने दिखाइए, वो रास्ते से लंबा मैं ड्राइव करके उधर से इधर आता था। मेरे पास उस टाइम पे एक वो होता था इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैंने खरीदा था और काफ़ी मज़ा आता था उसको चलाने में। वो यहाँ तक लेके आता था, पूरा यहाँ पे घुमाता रहता था। तो आप क्या सारी पुरानी मेमोरी फ्लैशबैक कर रही है आपको? होता है बैचलर, किसी अपने पुराने लोकेशन बैचलरहुड के सारे डेज जो काफी बेस्ट होते हैं एक इंसान की लाइफ। खुश हूँ यार इस लोकेशन को देख के। ओ चलिए जा रहा हूँ कलंग लगाने। आज पानी का वो जो फ्लो बहुत ज्यादा रहने वाला है, बारिश का दिन ना है। मैं ना नो स्विमिंग, नो स्विमिंग है। मिल गया आइस लेमन टी, आइस लेमन टी तो मिल गया मस्त। आप तो आगे जाते जाते ये सनसेट का भी ग्लिम्स हमें मिल गया। That's all for the day. मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye. Oh, hello. कल को हम लोग यहाँ पे आए थे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला यहाँ का, मतलब सिर्फ सनसेट भी अच्छे से नहीं देख पाए थे, इसलिए आज सोचा कि हम लोग यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैं सनराइज़ देखने के लिए आए हैं, थोड़ा सा लेट हुए बट बहुत प्यारा सा व्यू हमको मिल गया, एज यू कैन सी दैट। तो वाटर फ्रंट के जस्ट बगल में ये बहुत सारे स्विंग लगा रखे हैं इन्होंने, और ये प्यारा सा छोटा सा प्लेग्राउंड है। दो एक्टिविटी है, जैसे कि एक तो वो
पता नहीं क्या है वो, बिल्कुल नेस्ट टाइप का लग रहा है, उसके ऊपर आप क्लाइंब कर सकते हैं। और एक ये, इसको यूज करके आप ऊपर चढ़ सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं। अभी अभी हम दोनों इस पे जाएंगे ट्राई करने वाले। वाटर फ्रंट से हम लोग निकल गए हैं, ज्यादा कुछ देखने को था नहीं, थोड़ा बहुत मजा किया वहाँ पे, फन किया। उसके बाद रास्ते में चलते चलते मेरे को ये दिखा, ये कोई सीक्रेट पार्क जैसा लग रहा है, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या दिख रहा है हमें? अनार है क्या, छोटा वर्जन ऑफ अनार? ओके, इस जंगल में ज्यादा रहने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और हॉट सा फील हो रहा है। लेट्स जस्ट टेक द बस और कुछ खाने का ढूंढते हैं ब्रेकफास्ट में।